हेलो दोस्तों, वेलकम टू indianshareTips.com। और हम आपको एक सीरीज पे ले जाने वाले हैं जिसके तहत हम इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स कवर करेंगे। और आज इस सीरीज के तहत हम इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर CCI को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी भेजें और अंत तक देखिएगा, ताकि इस स्ट्रैटेजी से आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। सो दिस इज CCI ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि आप स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि थोड़े समय के लिए आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट वाले का मतलब है कि लंबे समय के लिए आपने उस स्टॉक को होल्ड किया और बेनिफिट किया उसकी मूवमेंट से। तो सबसे पहले समझते हैं कि CCI है क्या। CCI को कहते हैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो इसको आपने कमोडिटी ट्रेडिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इस इंडिकेटर का नाम है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, और ये सारे चार्ट टर्मिनल्स में मिलेगा आपको एज अ फ्री चार्टिंग इंडिकेटर। और आप उसमें इंडिकेटर्स में जाके CCI को ढूंढ करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको हम दिखाएंगे कि कैसा आपके चार्ट में ये नजर आएगा। ये मोमेंटम बेस्ड ऑसिलेटर है, और एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी इस इंडिकेटर को यूज करें तो इंडिविजुअली ना यूज करें। इसके साथ आप और भी कोई इंडिकेटर, जैसे कि ब्रेकआउट इंडिकेटर या और कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। इस इंडिकेटर को हमेशा सपोर्टिंग रोल के लिए ही इस्तेमाल करना है, और डिसीजन प्रॉपर लेने के लिए एडिशनल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। पर इस इंडिकेटर का काफी एक्यूरेसी है अगर ट्रेंड सही दिशा में हो तो। और ये आपको बताता है कि कंडीशन स्टॉक में ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, तो आपको गलती होने से ये बचा देता है। ये इंडिकेटर में अगर आपने स्टॉक में होल्ड किया है, इस इंडिकेटर को लगा के रखें, तो आप अपने प्रॉफिट को लंबे समय के लिए पकड़ के रख सकते हैं, राइड कर सकते हैं। और इससे पहले कि ट्रेंड खत्म हो और आपका प्रॉफिट खत्म हो जाए, ये आपको उस ट्रेड में से टाइमली बाहर निकाल देता है। अंत तक देखिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अंत तक देखने से आपको पूरा स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगा, जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो पढ़ते हैं, CCI इज ए गुड इंडिकेटर, स्पेसिफिकली इट कैन बी यूज फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग है छोटा पीरियड, पोजिशनल है लंबा पीरियड। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कौन सा पीरियड इस्तेमाल करते हैं चार्ट को रीड करते हुए, और इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लंबे पीरियड के लिए, उसके लिए आपने कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है चार्ट के ऊपर, ताकि आपको सही जानकारी मिले। सो सिलेक्शन ऑफ द टाइम पीरियड करेक्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब CCI के अंदर आप देखेंगे कि तीन इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, +100, -100 और बीच में है 0। हम आपको अगले चार्ट में दिखाएंगे ये चीज आपको कि कैसे ये नंबर्स को आपने रीड करना है और कहां पे आपको ये दिखाई देंगे। तो आप देखिए, तो आप अगर देखें यहां पे +100 है और ये -100 है, और ये बीच में स्टॉक मूवमेंट करता है, तो समवेयर इन बिटवीन आपका 0 का फिगर आएगा। तो जब आप इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको इंडिकेटर मिल जाएगा स्टॉक चार्ट के नीचे, और आप उसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो स्टॉक को बाय कब करना है स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि कम समय के लिए होल्डिंग करते हुए, तो बाय करें जब स्टॉक +100 के ऊपर चला जाए। और इसको आपने कब सेल करना है, जब वो -100 के नीचे चला जाए। इसको हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो अगर आप देखें, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट है, टाइम फ्रेम इसका 1 डे का है। तो अगर आप देखें कि स्टॉक जैसे ही +100 के ऊपर गया, ये पॉइंट है जहां पे +100 के ऊपर चला गया,
तो आपने एंट्री ले लेना है, यानी कि समवेयर हेयर यू हैव गॉट एन एंट्री एट 782 और -100, यहां पे इंडिकेटर ने -100 क्रॉस किया, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 3592 के प्राइस के पास आके आपको एग्जिट मिला। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा आपको राइड करने का मौका मिला, फ्रॉम 782 और एग्जिट आपको मिला 3592। तो ये है पावर एक करेक्ट इंडिकेटर को, पर उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है एक करेक्ट पर्सपेक्टिव के साथ और डिसिप्लिन के साथ। आप अगर देखें इस पॉइंट पे आके वो जीरो के नीचे आ रहा था और -100 की लाइन को टच किया, पर उसने उस लाइन को क्रॉस नीचे नहीं किया, इसलिए यहां पे एग्जिट नहीं हुआ और फाइनली ब्रेक यहां हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे मैंने एंट्री करना है और कैसे एग्जिट करना है। एंट्री कब है +100 के ऊपर और एग्जिट कब है -100 के नीचे। तो ये एक तकनीक है जिसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको कंटिन्यूअस राइड कर सकते हैं। एक रिटेल ट्रेडर इसलिए प्रॉफिट नहीं बना पाता क्योंकि जो प्रॉफिटेबल पोजीशंस होती हैं उनसे वो जल्दी से बाहर हो जाता है प्रॉफिट लेके, और जो लॉस मेकिंग पोजीशंस होती हैं उनके ऊपर वो बैठा रहता है और उसका लॉस बढ़ता ही चला जाता है। तो आपने एक बार जब स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने ये यकीन करना है कि आप प्रॉफिट को राइड करें लंबा, प्रॉफिट को जल्दी बुक नहीं करना। तो प्रॉफिट को जल्दी ना बुक करें उसको कौन बताएगा, ये सीसीआई इंडिकेटर। अगर आप देखें, अगर इस जगह पे भी यहां पे भी अगर आप मान लो गलती से एग्जिट करते, स्टिल आपको तकरीबन 2000 रुपए का लेवल मिल जाता, यानी कि 700 प्लस पे एंट्री था और 2000 पे आप एग्जिट करते। अगर आप सोचते कि वो लेवल हिट हो गया है और मुझे एग्जिट करना है, जबकि वहां पे वो -100 के नीचे नहीं गया, तो लेट इट गो डाउन इन ए प्रॉपर वे। जब आपको क्लियरली दिखे कि हाँ भाई -100 के नीचे चला गया है, तभी आपने प्रॉफिट को बुक करना है। और सही जगह कहाँ है बुकिंग की, दिस प्लेस। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने प्रॉफिट को कैसे राइड करना है। अगर एज अ रिटेल ट्रेडर आप ये सीख के प्रॉफिट को राइड करना जल्दी जल्दी नहीं बुक किया, आप एक करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। आगे चलते हैं। इस चार्ट टेक्निक के अंदर एक फ्लॉ है कि अगर ट्रेंड एक दिशा में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पर अगर ट्रेंड में विप्सॉज आ जाए तो ये आपको परेशान कर सकता है। हम इसके बाद आपको चार्ट पे दिखाएंगे कि कैसे आपको परेशान कर सकता है, और इसीलिए ये जरूरी है कि आप इसके साथ एडिशनल कोई ब्रेकआउट स्टॉक इंडिकेटर लगाएं या कोई और एडिशनल इंडिकेटर लगाएं जो आपको सही गाइडेंस दे। रिलायंस का हमने आपके लिए चार्ट रखा है, तो रिलायंस का स्टॉक अगर आप देखें, नीचे ध्यान दीजिए, देखिए एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। तो अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में फंस गया तो आप एंट्री एग्जिट ही करते रहेंगे। तो इसीलिए ये इंडिकेटर परफेक्ट काम करता है अगर स्टॉक के एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मूव करता रहे, जैसा कि हमने आपको पीछे डिक्सन के चार्ट में दिखाया। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सीसीआई इंडिकेटर को सपोर्टिव इंडिकेटर के रूप में यूज करें, इंडिपेंडेंट इंडिकेटर के रूप में यूज नहीं करना। इसके साथ और एडिशनल इंडिकेटर्स का आपने इस्तेमाल करना है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि अगर हायर टाइम फ्रेम होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, अगर
आप लोअर टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपको बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। हायर टाइम फ्रेम कौन सा होगा? वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। अब हम आपको पीडी लाइट इंडस्ट्रीज का चार्ट दिखाएंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसमें आप देखेंगे कैसे मेगा मूव मिला। हमने उस पर्टिकुलर पोर्शन का चार्ट आपके लिए किया है हाईलाइट, सो दैट यू बिकम अवेयर कि कैसे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हायर टाइम फ्रेम में क्या है? रिस्क विल बी स्लाइटली हायर एंड रिवार्ड विल ऑल्सो बी हायर। तो रिस्क बड़ा होगा, रिवार्ड भी बड़ा होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं पीडी लाइट का टाइम फ्रेम है 1 वीक। अब इसमें हमें एंट्री कहां मिला? क्रॉसेस अबव 100, यहां पे एंट्री हो गया, और एग्जिट क्रॉसेस बिलो -100। तो ये एक तकनीक है स्विंग ट्रेडिंग का। अब हम इसके बाद देखेंगे अगर हम इन नंबरों में हेर फेर करें तो क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसे स्टॉक हो उसमें +100 के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो क्या करें? तो क्या हम घर पे बैठे रहें या कुछ और काम करें? तो अभी हम नंबरों का हेर फेर करते हैं, उसके अंदर हम बाय करेंगे अगर -100 के ऊपर जाता है तो हम बाय कर लेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा अगर वो -100 के नीचे चला जाता है। हमने नंबरों में हेर फेर क्या किया? पहले हम बाय कब कर रहे थे? जब +100 को क्रॉस कर रहा था। एक्सक्यूज मी, अब हमने नंबरों में हेर फेर किया, हमने कहा कि बाय करेंगे -100 पे ऊपर जाने पे और एग्जिट कर जाएंगे अगर -100 के नीचे गया। और ऊपर जाने की दिशा में अगर +100 के ऊपर चला जाता है तो आपने अपना एग्जिट उसके दौरान करना है कि अगर +100 के नीचे जाएगा तो आप एग्जिट कर जाएंगे। इफ सीसीआई क्रॉसेज अबव 100 देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वुड बी एग्जिट इफ सीसीआई क्रॉसेज बिलो +100। और इसमें भी डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया। क्यों ये कंडीशन दी गई है? क्योंकि हो सकता है हर समय आपको स्टॉक ना मिले जो +100 के ऊपर हो, तो ये थोड़ा सा आपने नंबर्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, एंट्री को टाइम कर सकते हैं और अच्छा एंट्री लेकर के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चार्ट पे देखते हैं, तो इस चार्ट में देखिए सीसीआई क्रॉसेस अबव -100 यहां पे, तो आपका बन गया बाय यहां पे 2380 से 2780 का आपको प्रॉफिट मिला हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर, और एग्जिट कब हुआ? जब वो क्रॉस किया लाइन बिलो +100 के। तो ये आपको कैटेगोरिकली क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर 100 -100 के ऊपर लिया और वो चला गया +100 के ऊपर लाइन, और फिर उसने दोबारा +100 का लाइन ब्रेक कर दिया, तो आपने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। जैसा कि हमने देखा 2380 से 2780 400 पॉइंट का हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आपको मिला। टाइम फ्रेम 1 डे ही रखा, पर हमने इसमें नंबरों के साथ छेड़छाड़ किया, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टॉक +100 में आने में देरी कर और तब तक काफी मूवमेंट हो चुका होता, क्योंकि अगर हम यहां तक वेट करते तो 2780 पे आपको लेना पड़ता। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, और क्या कंडीशन है मार्केट की उस हिसाब से आपने अपना एंट्री और एग्जिट लेना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, जिससे क्या है आपका मुनाफा सुनिश्चित है कि अगर 2380 पे एंट्री किया और 2780 पे आपको एग्जिट मिला, हो सकता है उसके बाद वो 3000 पे भी चला जाए, पर कम से कम आपको 400 पॉइंट का मुनाफा दे करके गया है, दैट इज फॉर श्योर। और ये काम करता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बने रहने से। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब है लॉन्गर टाइम फ्रेम। इट कैन बी स्प्रेड ओवर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। तो जहां पे 5-10 इयर्स का स्ट्रेटेजी आ जाए उसको आप बोलेंगे
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विद ए लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो हम देखते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर भी आप बाय करेंगे जब -100 के ऊपर क्रॉस कर रहा है स्टॉप लॉस, अगर -100 के नीचे जा रहा है तो आपने एग्जिट कर जाना है। अगर 100 के ऊपर गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है और 100 के नीचे आते ही आपने एग्जिट कर जाना है। इंपॉर्टेंट बात है वीकली या मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, और जब वो ट्रेवल कर रहा है स्टॉक का लाइन बिटवीन 0 to +100 के बीच में या -100 to +100 के बीच में, उसमें आप अपनी पोजीशन का पिरामिडिंग भी कर सकते हैं। पिरामिडिंग का मतलब है कि आप अपना पहले शुरू में एक छोटा ट्रेंची ऑफ कैपिटल लगाया, फिर आपने देखा मूवमेंट ठीक है तो और एक पोर्शन ट्रेंची ऑफ कैपिटल लगाया, और फिर और ऊपर गया फिर आपने एक ट्रेंची लगाया। तो इसमें क्या है कि आप कैपिटल पूरा वन गो में नहीं लगा रहे, आप देख रहे हैं कि पानी की धार किस तरफ को है। अगर सही दिशा में है तो मैं अपना पोजीशन को इंक्रीज करूंगा, अगर नहीं है तो मैं अपना पोजीशन कम रखूंगा। तो ये आप 3 ट्रेंचेज में कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि आपके पास 10 लाख पड़ा है तो एक ही साथ 10 लाख लगाना है, आप उसको 3 पोर्शन में लगा सकते हैं। 1/3 व्हेन इट क्रॉसेस -100, लेट्स से अनदर 1/3 व्हेन इट क्रॉसेस अबव 0, अनदर 1/3, और इस तरह से आप उसको डिवाइड करके एंट्री ले सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा अपने आप पोजीशन को बैक टेस्ट करने के देखना होगा कि मेरे लिए क्या सूट करता है, बिकॉज वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो आपको अपने रिस्क प्रोफाइल, अपना बैक टेस्टिंग ऑफ द ट्रेड्स करके देखना होगा, और आपको पता चलेगा कि आपके रिस्क प्रोफाइल आपके बॉडी प्रोफाइल के साथ कौन सा सिस्टम मैच करता है। अब इसमें चार्ट देखें नेस्ले इंडिया का, इसमें हम लोग पकड़ पाए नेस्ले इंडिया का बॉटम। अगर आपको याद हो बीच में मैगी का कांड हुआ था और उसके कारण नेस्ले की स्टॉक की काफी पिटाई हुई थी, तो ये वो जगह है जहां पे वो -100 से ऊपर आना शुरू हुआ। इसका मतलब है कि आप स्टॉक को रॉक बॉटम पे पकड़ सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि मार्केट को बॉटम या टॉप पे पकड़ना मुश्किल है, तो ये इंडिकेटर आपको मदद करता है बिल्कुल स्टॉक को करेक्ट टाइम पे एंट्री करने का जब वो ऊपर जाने की फिराक में है। तो -100 क्रॉस करते ही आपने एंट्री किया, एंट्री बेसिकली 5725 के करीब हुई और एग्जिट आपके पास आया तकरीबन 9700। कब आया? जब उसने +100 का आंकड़ा नीचे की तरफ तोड़ा और आपने एग्जिट कर लेना है। क्यों किया? हमारे रूल में था कि अगर -100 से आपने एंट्री लिया है और वो 100 को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है जैसे यहां चला गया, तो उसमें आपने तब एग्जिट कर लेना है जब 100 के वो नीचे चला जाए। ये चीज देखिए 100 यहां पे डिसाइसिवली ब्रेक होकर के ऊपर जाना चाहिए। वर्ड डिसाइसिवली, यहां पे नहीं हुआ डिसाइसिव, यहां नहीं हुआ, यहां क्रॉस कर गया। अब आपको पता है कि भाई मैंने तैयार रहना है जैसे ही +100 के नीचे इसने किया लाइन का इंडिकेशन, आई विल एग्जिट आउट भले ही कितनी मर्जी बुलिश मार्केट हो। तो इस तरह से आप अगर इंडिकेटर को करेक्टली यूज करते हैं तो आप टाइमली एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, बुलिश यूफोरिया में लोग अपने घर की एफडियां मकान बेच करके स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर देते हैं, तो समझ लेना कि मार्केट टॉप आ गया। पर वो हमें कैसे पता चलेगा? ये इंडिकेटर आपको बताएगा भाई ये टाइम है कि आपको निकल जाना चाहिए, भले ही उसके बाद ये स्टॉक 9700 से हो सकता है मे बी 10,000 हो जाए या ऊपर चला जाए। तो लालच की एक सीमा है, तो ये लालच की सीमा का पैरीमीटर डिफाइन कर देता है कि नाउ यू हैव टू एग्जिट आउट। तो किसी भी इंडिकेटर को आप तभी बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ काम करेंगे। अगर ये किया कि आज मैं ये इंडिकेटर लगाऊंगा कल मैं वो लगाऊंगा, तो उससे फायदा नहीं है। एक इंडिकेटर का चुनाव कीजिए, उसके साथ और सपोर्टिंग इंडिकेटर्स लगाइए। हमारे पास काफी सारे हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं
इंडिकेटर्स के जो हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल अस एंड वी कैन प्रोवाइड दोज इंडिकेटर जो आपको एंट्री एग्जिट इंट्राडे डिलीवरी के लिए दे सकते हैं और आप अपने आप अपने टाइम फ्रेम पे उन पे ट्रेड कर सकते हैं. क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है किसी आदमी के पास सुबह टाइम नहीं है, उसके पास शाम को टाइम है, भी ऑफिस में बिजी रहने के कारण मार्केट दौरान वो देख नहीं सकता, पर जब वो शाम को घर जाता है तो वो स्टडी कर सकता है. तो हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है. यू जस्ट नीड टू स्पीक टू अस और आपको व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है. वी हैव ऑलरेडी इन्वेंटेड द व्हील और हम उस पर अच्छा काम कर चुके हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. तो एक बार फिर से हम इसको सम अप कर देते हैं. सीसीआई इंडिकेटर कमोडिटी चैनल इट इज अ लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी आपको बना करके दे देता है कि जब आपने एंट्री कर लिया तब अगर बताए हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एक्शन हुआ तो आपने बिना किसी झिझक के निकल जाना. ये नहीं सोचना कि लेट मी गिव इट मोर स्पेस, क्योंकि जैसे ही आप मोर स्पेस देंगे तो वो आपके जी का जंजाल बन जाएगा स्टॉक. आप ये कैसे जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स को फॉलो करना है? तो हमने लिखा है कि आप 10 स्टॉक का लिस्ट बना सकते हैं. अगर आप थोड़े प्रोएक्टिव हैं तो आप अप टू 20 स्टॉक का लिस्ट भी बना सकते हैं. इससे ज्यादा जू क्रिएट करने का जरूरत नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है. शिकारी की तरह आपने तैयार रहना है कि जब मेरा इंडिकेटर मुझे बताएगा मुझे एंट्री करना है मैं उसमें एंट्री कर जाऊंगा. बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है. किसी भी इंडिकेटर पे विश्वास करने से पहले उसको लगा करके देखिए 3-4-5 स्टॉक्स पे और देन यू विल कम टू नो व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द इंडिकेटर. और याद रखिए जब तक आप खुद उसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे आपको उस पर यकीन नहीं आएगा, और जब तक आपको यकीन नहीं आएगा आप उसको एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर उसमें एंट्री एग्जिट नहीं ले पाएंगे. इन्वेस्टमेंट वीकली या मंथली होगा जब आप इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं. स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका टाइम फ्रेम 1 डे का होगा. ये आपको रिवर्सल्स कैच करने में मदद करता है. जैसा कि हमने आपको मैगी के कांड के बारे में बताया कि कैसे मैगी पे एक इल्जाम आया था और मैगी को डंप कर दिया गया था ग्राउंड के अंदर, तो नेस्ले स्टॉक में बहुत मारामारी हुई थी और उसके बाद जब स्टॉक ने बढ़ना शुरू किया तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आप उस स्टॉक में एंट्री टाइम कर सकते थे. आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा. हाय तौबा मचाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एंटर इन द राइट स्टॉक. यू हैव टू बी लाइक ए शिकारी जो मचान पे बैठा है शेर के आने का इंतजार कर रहा है. मैं अपना शिकार करूंगा और प्रॉफिट को लंबा राइड करूंगा. स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द मार्केट एक बार जब आप एंटर कर गए तो आप इसमें से प्रॉफिटेबली निकलेंगे. पर याद रखो कोई भी इंडिकेटर 100% करेक्ट नहीं होता. हमने आपको रिलायंस के एग्जांपल से दिखाया कि कंसोलिडेशन में जाने के कारण हर कुछ दिनों के बाद एंट्री आ रहा था फिर एग्जिट आ रहा था, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट. तो ये सिचुएशन में अगर आप फंस गए तो ऐसे स्टॉक से आपने दूरी बना लेना है, उसको दूर से ही बोलना है टाटा बाय बाय, मैं गलती से एंट्री हो गया था अब मैं एग्जिट कर रहा हूं, मैं वो स्टॉक ढूंढूंगा जिसमें मुझे ट्रेंड इंटैक्ट दिखाई दे रहा है. और एग्जिट इफ रॉन्ग, अपनी गलती मानते हुए ट्रेडर को लगता है कि मैं गलत हूं मैं अपने आप को करूंगा प्रूव राइट, ये करने का जरूरत नहीं है. अगर आप गलत हैं तो चुपचाप से स्टॉप लॉस बुक करें और मूव आउट कर जाएं. अपने आप को जब आप स्टॉक मार्केट में थोपने की कोशिश करते हैं तो आपका लॉस छोटे से बड़ा हो जाता है. जिस दिन आप स्टॉप लॉस हैप्पीली लेकर के मार्केट से निकल जाएंगे समझ लेना आपने एक ऊंचे दर्जे का ट्रेडर बनने का शुरुआत कर दिया है. और अगर आप सही मार्केट में हैं तो सिट टाइट इफ यू आर राइट. तो इस लाइन को हमेशा याद रखें और प्रॉफिट को चलते रहने दें. इंट्राडे में हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है. इसके अलावा हमारी डिलीवरी कॉल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं. महीने में तकरीबन 8 कॉल्स के करीब प्रोवाइड की जाती हैं. दोज हु वांट टू ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 8 कॉल्स इन ए मंथ वो हमसे मिलाप कर सकते हैं फोन के ऊपर,
और अगर आपको इंट्राडे करना है तो बैंक निफ्टी ऑप्शन से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि कम कैपिटल 10,000 से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम मुनाफे का परसेंटेज नहीं बताना चाहते क्योंकि आजकल गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं और हमें सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, पर आप हमारे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल को सुनकर के आसानी से अंदेशा लगा सकते हैं कि कैसे मुनाफा होता है। और ये हमारे क्लाइंट इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हाय, आई एम विक्रम फ्रॉम मुंबई एंड आई हैव बीन यूजिंग indianshareTips.com सर्विसेज फॉर ओवर अ मंथ नाउ। आई हैव बीन यूजिंग देयर बैंक निफ्टी ऑप्शन सर्विसेज एज वेल एज देयर निफ्टी ऑप्शन सर्विसेज एंड आई मस्ट टेल यू आई एम सुपरबली इंप्रेस्ड बाय देम। दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल पीपल एंड द गुड न्यूज इज यू विल turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि आप इनके वीडियो टेस्टिमोनियल से कुछ सीख ले सकते हैं, डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे वीडियो टेस्टिमोनियल्स का लिंक है, आप वहां पे बहुत सारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना ना भूलें। और वेबसाइट पे जाके देखें, ये डेस्कटॉप वर्जन आपको दिखाया गया, वहां पे आपको मिल जाएगा बैंक निफ्टी ऑप्शन डिलीवरी टिप। बैंक निफ्टी ऑप्शन मॉर्निंग में जनरली 9:15 to 10:15 के अंदर खत्म हो जाता है, 10,000 कैपिटल और आप रोजाना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस टारगेट बढ़े। और जिनके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, बिजी हैं कॉन्फ्रेंसेस मॉर्निंग में या ट्रैवलिंग के कारण आफ्टरनून सेशन वेस्ट ना जाने दें, उसमें हमारा निफ्टी का कॉल दिया जाता है विच इज बेस्ड ऑन क्वांट एंड डेरिवेटिव एनालिसिस और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेम कैपिटल 10,000 बैंक निफ्टी का आप आफ्टरनून में निफ्टी में इस्तेमाल करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम चाहेंगे हम आपके साथ जुड़े। And in case you have any query, आप हमें 9988877963 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। indianshareTips.com वेबसाइट पे जाकर के आप बेनिफिट उठा सकते हैं। And please go through the disclaimer. Hopefully we have answered this CCI index in a proper way. और इस वीडियो को बुकमार्क कर लीजिए, come back to it और जुड़ते हैं and together we will grow. Thank you.